ਉਹਨੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਖਾਂਦਾ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी का बटन बना हुआ है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक बड़ वक्त पहुँच सके। तो बिना देर करते हैं आज का व्लॉग शुरू। तो अभी मैं घर आ गया हूँ, पहले मोबाइल था जब मैंने व्लॉग शुरू किया तो मैंने कहा चलो घर चलते हैं। अदीना तब सोया हुआ था, अब उठ गया बेचारे को ना कल बहुत ज़्यादा ना रोने वाला हो गया था, मतलब समझ लीजिए रोने लग गया था एक मरतबा। तो क्या सीन हुआ था तो आपको मैं बताता हूँ। इस तरह था कि जो इसका मोबाइल है ना न्यू लिया इसने आईफोन, जो उसका आई क्लोड होता है ना इसने मेरा ही लगाया था। तो मेरा और इसके जब एक ही आई क्लोड लगेगा तो मोबाइल की जो स्टोरेज ना वो जल्दी फिल हो जाती है, इसी वजह से हम दोनों को मसला हो जाता है। इसने अपना आई क्लोड दोबारा बनाया, न्यू बनाया मतलब कि अलहदा बनवा लिया अपने फ़ोन के लिए। तो ना जब इसने रीसेट मारा ना पूरे मोबाइल को, तो जब यूट्यूब दोबारा इसने इंस्टॉल किया ना तो इसका चैनल नहीं था वापस आ रहा। तो इसका मुँह देखने वाला था भाई साहब, रोने वाला था, कह रहा था मैंने इतनी मेहनत की है, मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, मुझे नहीं पता मेरा ग्रोथ कर रहा था, व्यूज़ भी अच्छे आ रहे थे, तो रोने वाला हो गया था। अभी इनसे पूछते हाँ दिल रोने वाला तो नहीं होया, उन जो कीमत परेशानी हो गई थी ते परेशानी हुई, अगर वापस ना आंदा ते ना आंदा ते फिर नवाई बनाना पैना सी। नहीं तू हौसला छड़ गया सा, तू की क्या मैं नहीं शुरू करना हूं काम। हौसला बंदा छड़ ही जांदा, एक कड़ी जी दवाई दा काम हुंदा है अचानक। अब ये देखे क्या कर रहा नया कर रहा अदील ना। अच्छा हम सब वाकई हिम्मत हार गए थे, मुझे भी ये कह रहा था कर दो कुछ ये वो सिस्टम, मुझे हमें कुछ पता ही नहीं लग रहा था इसका चैनल क्यों नहीं वापस आ रहा। अल्फ़ाबेट ना गलत लिख रहा था उसकी वजह से ना इसका चैनल वापस नहीं था आ रहा। फिर सिस्टर ने देखा, छोटी सिस्टर ने, हम बैठे हुए थे तो छोटी सिस्टर ने गौर किया कि ये तो स्पेलिंग ही गलत लिख रहा, अल्फ़ाबेट एक डाल ही नहीं रहा। तो फिर वो उसकी वजह से आया, तो अदील ने रात को पार्टी दी थी, हमने शेयर तो नहीं की। अच्छा चैनल इसका वापस आया तो पार्टी हमने दिया, मैंने पैसे डाले हैं और कुछ अबू जी ने और अम्मी जी ने सबको मिला के ना पार्टी दिया कि इसका चैनल वापस आया। इसने सिर्फ 40 रुपये डाले थे, ये क्या वजह है? जिन्हें ऐसी मैं उन्हें पा दी थी बस, उन्हें पा दी थी। तेरा काम सी कोई बर्गर शर्गर मंगवाना जिसे तेरा लाख होया थी मोबाइल, तू तो रोड लाग रोड लाग गया था कल, गजब बेइज्जती है। मोबाइल का लॉक भूल गया था जिसकी वजह से ना रीसेट मारा दोबारा सारा कुछ, तो मैं खुल ही नहीं रहा था लॉक। तो मैंने कहा पता नहीं अब चैनल आएगा कि नहीं वापस, मैं तो अदील तो रोया भी नहीं था, मैं तो रोना शुरू हो गया था ना। अदा कर लिया था हमने, तो अभी आ गए हैं नहर पे, इसलिए आए थे दोस्त ने तस्वीरें वगैरह खिंचवानी थी तो वो खिंचवा लिया। नहीं तेनू खांदा अभी मैं घर नहीं जाऊंगा, दोस्त तो चला गया उसको जल्दी थी, अभी मैं आ गया हूँ डेरे पे। हमारा डेरा आपको पता ही है किस तरह के थोड़े जानवर थे, लेकिन नहर के करीब एक डेरा बहुत ही खूबसूरत है, हर जानवर मौजूद है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले ये इस तरफ देखें, पूरा देसी माहौल यहाँ बना हुआ है और अबू बकर भी यहाँ आया हुआ है। ये देखें वो सामने लहसुन लगाया हुआ है, लहसुन को गोड्डी कर रहे हैं। वापस में ना चले जाओ ठीक है। इधर आया आया रैबर्स दिखाइए आपको, इस तरफ रैबर्स दिखाते हैं। ये देखें सामने छोटा सा घर बनाया, मुझे देख के शायद अंदर ही चले जाएं, कितना प्यारा घर है इनका। ये देखें
इनका जो गाढ़ा होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब के ये इनके अंदर सुराख बनाते हैं ना ज़मीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा लंबे, आप कह सकते हैं वो इधर इस तरफ नहर है ना वहाँ तक भी अपना घर ले जा सकते हैं ज़मीन के नीचे नीचे से, इतना इतने लंबे ये सुराख निकालते हैं। ये तो हो गए खरगोश, अभी करीब जा के दिखाता हूँ इनके। ये देखिए उई अबू बकर डरा रहा है उनको। ये देखिए ये एक सुराख बनाया हुआ है, एक दो एक वो एक ही बनाया हुआ है, मैं समझा दो तीन बनाए हुए हैं, बाकी वो देखें इस तरफ घूम रहे हैं। कबूतर दिखाते इससे पहले भाई साहब अंदर काल लें, वो कर रहे हैं अंदर, एक मिनट ठहरे हो। ये देखें माशाल्लाह ने इन्होंने कबूतर बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं, इन्ने कबूतर रख ले जी हैं। अब देखो ये किन्ने ने, नहीं पता वगैरह मुझे नहीं पता कितने हैं। आपको पता कितने हैं? नहीं आपको भी नहीं पता? अच्छा नहीं पता, इन दोनों को नहीं पता। काट लो अंदर, अभी अंदर काट रहे थे मैंने रोका, बाकी इस तरफ इन्होंने का जानवर बांधे हुए हैं। ये देखें बिस्तर सड़क के ऊपर ही है, इस तरफ बकरियां हैं। तो चारपाई में मैं बैठ गया हूँ, इसका हमारा भी पहले डेरा हुआ करता था, बहुत ही खूबसूरत है। अब बकर देखना मेरी तरफ। क्या हुआ है? क्या हुआ है? नेट पे चढ़े। हाँ नेट पे चढ़ेगी, देखना है आपने। हैं ठीक है देख लेना। ये देखे गांव में इसी तरह रहता डेरे पे, कोई बुजुर्ग आ रहा कोई जा रहा है, ये देखें इसी तरह। भी खरगोश जो मैंने आपको दिखाए हैं ना, रखने को दिल करता है लेकिन अगर इनको घर में रख लेना, मैंने आपको पहले बताया जो खरगोश है ना जो अपना घर बनाते हैं सुराख बना के ज़मीन के अंदर, तो ये एक घर ख़राब कर देंगे इन्होंने सुराख बनाने, तो मतलब कि थोड़े कोठे बह जाएंगे अगर इन्होंने सुराख बनाए, इसलिए ना इनको डेरे पर रखते हैं। आप देख सकते हैं इधर कोई मकान वगैरह नहीं है, बस ये डेरे ही हैं, इन्होंने सुराख निकाल लें, इस तरफ निकाल लेंगे इस तरफ निकाल लेंगे, इसी तरह ना इन्हें डेरे पर इसलिए रखते हैं। तो अभी वो अगर पूछ रहा है ये वीडियो कहाँ जाएगी, बाहर के मुल्कों तक जाएगी? हाँ बाहर के मुल्कों तक जाएगी। हाँ ये कर दे सारे कह रहा बाहर के मुल्क तक वीडियो जाएगी, मैं कहा हाँ बाहर के मुल्क तक जाएगी। इस तरफ भी थोम लगाया हुआ है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, और ये मूलियाँ लगी हुई हैं आप देखें, गोडी हो रही है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, अगले व्लॉग में मुझे दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।